नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपके आसपास कोई कुर्सी या बेंच है? अगर है तो आप बैठ जाएं, क्योंकि ये कहानी पढ़कर आपको झटका लगने वाला है। हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले की। बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर शायद आपको भी विश्वास ना हो। लोगों का मानना है कि इस जगह पर आज भी जिन्न बसते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आखिर क्या रहस्य है इस खंडहर किले का, जहां लोग दूर दूर से अपनी अर्जी लेकर आते हैं? आज हम आपको इसी रहस्य के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तुगलक सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनने के बाद सन 1354 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह कोटला में सबसे ज्यादा चर्चित जिन्न हैं लाट वाले बाबा को, जो बाकी जिन्नों के मुखिया हैं, उन्हें जिन्नों का मुखिया माना जाता है। माना जाता है कि वो 13.1 मीटर के पत्थर से बने मीनारे जरीन में रहते हैं। उसी साल सुल्तान ने फिरोजाबाद नाम का शहर भी बनवाया था। इतिहास में जिक्र मिलता है कि फिरोज शाह के आदेश पर शहर और किला दोनों ही यमुना किनारे बनवाए गए थे। इस किले को बनवाने का एक और कारण था कि तुगलकाबाद के किले में पानी की समस्या थी। इसे दिल्ली का 6वां शहर भी माना जाता है। आप फिरोज शाह कोटला किले में जाएंगे तो वहां नीचे कुछ कमरे बने हुए हैं। कोरोना के बाद इन कमरों को बंद कर दिया गया है। महामारी से पहले इन कमरों में लोग चिराग जलाते थे। लोग आज भी एक चिट्ठी में अपनी फरियाद लेकर जिन्न के पास आते हैं। बता दें कि गुरुवार को यहां काफी संख्या में लोग आते हैं और अपनी परेशानियों को जिन्न से सामने रखते हैं। जब हम कोटला के किले गए तो वहाँ एक महिला भी मौजूद थी। इस महिला से जब बात की तो उसने नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि वह यहाँ काफी समय से आ रही है। उसके पति को गंभीर बीमारी थी और जब उसने यहाँ अर्जी लगानी शुरू की तो उसका परिवार खुशहाल हो गया। सिर्फ यही नहीं, महिला आगे बताती है कि उसका बड़ा बेटा घर से चला गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद वह वापस आ गया। यहाँ सिर्फ एक ही महिला नहीं बल्कि दूर दूर से लोग अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। आप कोटला किले में देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ कई लोगों ने जिन्नात के नाम पर चिट्ठियाँ लिखी हैं। बंद कमरों के अंदर आपको कई पन्ने पड़े मिल जाएंगे। किले के पास ही फिरोज शाह कोटला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। बता दें कि फिरोज शाह कोटला किले के अंदर जाने के लिए आपको ₹25 टिकट के लिए खर्च करने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।